हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपकी मनपसंद रीडिंग लेकर आए हैं गाइज, क्योंकि आप मेरी व्यूवर्स दूसरे चैनल पर देखते हैं तो मुझे भी बुरा लगता है कि क्यों ना मैं आपके लिए इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाऊँ। और आप जो भी चाहते हैं, जिस प्रकार की रीडिंग चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए गाइज। ये मैं आज इंटेंटिवली रीडिंग करने वाली हूँ। एंजल्स, गॉड, डिवाइन जो भी मुझे गाइडेंस देंगे वही सब मैं बताऊंगी। और इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं या कोई नया प्यार आ रहा है। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनकी हम रीडिंग करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने थर्ड पार्टी की रीडिंग भी डाली है, कैंडल वैक्स रीडिंग मैजिकल एस्ट्रो टैरो पर। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ गाइड मी। क्या बात है, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स, प्लीज गाइड मी। गाइज, आप लोगों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो है, बीच में कुछ और भी है, यानी कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है। थर्ड पार्टी ने, दो लोग हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी। एक में मेल फिगर दिखाई दे रहा है, एक फीमेल फिगर दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही चालाक इंसान है, बहुत ज़्यादा चालाक हैं ये। वाह, चले गए आपके पार्टनर की तरफ। ये कंट्रोल कर लिया। ये देखिए, याकृति दिखाई दे रही है ये, और आप अकेले पड़ गए, अलग थलग। यहाँ पर किसी के, मुझे यहाँ पर तीन बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और किसी के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा भी हो सकता है। आप बिल्कुल सेपरेट हो गए अपने पार्टनर से, और एक अदर पर्सन भी है गाइज, जो फैमिली मेंबर्स नहीं है। देखिए, एक तो यहाँ पर आ गया बिल्कुल आपके पार्टनर के पास में। ये जो है, इसमें कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर लेडी दिखाई दे रही ज़्यादातर, तो इसके लंबे बाल हैं। और एक यहाँ पर है अलग से, जो अदर पर्सन है फैमिली के अलावा। इनके बच्चे दिखाई दे रहे गाइज, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि इनके एक बच्चा है। और जिनके दो हैं, यानी कि फैमिली मेंबर्स में फादर और मदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली मुझे यहाँ पर ज़्यादा तो मदर का ही रोल दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आपके पर्सन को कंट्रोल कर रखा है, बिल्कुल चिपक कर खड़ी है, मतलब जैसे बच्चे को गोदी में उठाने के तैयार होती है ना ऐसे। और यहाँ पर एक और मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, जो मैंने बताया उसको, बच्चा भी है एक। और आप मेरे व्यूवर्स के किसी के तीन बच्चे हैं और किसी के एक बच्चा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं और क्या निकल कर आता है। ये आपके एक्स पार्टनर ही आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप लोग जो है, टावर मोमेंट आया था जिसकी वजह से आप लोग सेपरेशन में चले गए थे, नो कॉन्टेक्ट में चले गए थे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ज़्यादा रोल इसमें एक लेडी का ज़्यादा रोल है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ एक के पर्सन जो हैं, उनको पहले से ही जानते थे अपने पार्टनर को, बचपन से साथ पढ़े होंगे या फिर अपने किसी रिलेटिव्स के थ्रू मिले होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनके साइड में तो और भी हैं लेडीज़, जो दिखाई दे रही है ना, लेडी जो लेडी दिखाई दे रही है, इनके साइड में मुझे और भी दिखाई दे रहे हैं, फैमिली मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं। गाइस, आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन
फैमिली वालों ने मिलकर के आपके पार्टनर को और आपको लड़वाया है। आप लोग दोनों सोलमेट हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप चीज़ों को भाप लेते हैं पहले ही। आपके पर्सन को ये बातें ना शुरू शुरू में तो खलती नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि आप ऐसे बोलते रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग में कुछ और ही डाल रखा था। तो थर्ड पार्टी जो है उनको जैसा पढ़ाती थी वैसे ही पढ़ते थे, तो आपकी बातों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे। यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यू भी रहे हैं। गाइस जिनके 3 बच्चे हैं ना, उसे मुझे कुछ केसेस में लग रहा है कि 2 लड़कियाँ हों और 1 लड़का हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए गाइस। जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फीलिंग्स आ रही हैं, वही बता रही हूँ मैं। आपके पर्सन अभी फिलहाल तो रात को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ केसेस में लंबे टाइम से सेपरेशन में है, 4 या 5 साल हो गए हों किसी को, किसी को 8-9 साल भी हो गए हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा फीलिंग्स आ रही हैं। अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करने वाले हैं कि बस बहुत हो गया है, अभी और मेरे से दूरियाँ सही नहीं जाती हैं, और आपके एक्स पार्टनर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ अपना परिवार देखते हैं, अपने बच्चे देखते हैं, तो वो उन बच्चों की याद उनको सता रही है। क्योंकि कुछ लोग भी बोलते होंगे सोसाइटी में। तो यहाँ पर गाइज मैं देख पा रही हूँ कि जिनकी तरफ उनका एक्स पार्टनर आ रहा है, वो तो उनकी पास्ट की बातों को भी याद कर रहा है कि किस तरह से हमें सेपरेट करवाया था और आज हम कितनी दूरी पर आ गए हैं, आज हम कितने पेन में हैं, मिल भी नहीं पा रहे हैं। बच्चों को लेकर के मुझे ज़्यादा टेंशन दिखाई दे रही है। देखिए बच्चे इधर आ गए, मैंने बताया था ना यहाँ पे, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि एनिमल स्पिरिट्स उनको गाइडेंस भी दे रही हैं। आपके पर्सन को क्लियरिटी लाने में मदद कर रही हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि आपके पर्सन आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ में करना चाहते हैं, जिसमें जोश हो, जुनून हो, जिसमें सारी पावर आपके पार्टनर के हाथ में हो। और आपको यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशली भी हेल्प करना चाहते हैं, कि सारे सारे पेंटिकल्स इधर आ रहे हैं आपकी तरफ, उनकी तरफ से इधर इधर आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर जो है उनकी फैमिली ने अलग करवाया था तो कुछ भी नहीं दिया। तो आप मेरे व्यूवर्स किस तरह से अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कितनी मेहनत की है, कितना सेक्रीफाइसेस की हैं, वो आपके पर्सन को अभी याद आ रहा है कि आप कितने अच्छे बंदे हैं, आप कितनी नर्चरिंग और केयरिंग मदर हैं या फादर हैं, जो भी जैसे रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। तो अभी आपको पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके पर्सन आपको इसके लिए सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे पेंटिकल्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए, ऐसा मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि इस तरह की जो दिखाई दे रहा है मुझे। और जो अदर पर्सन के साथ में फैमिली के अलावा गाइस, ये लेडी तो बहुत ज़्यादा, ये लेडी हो जेंट्स हो जो भी है, ये चिपकू राम है। आपके पर्सन के पास में चिपक कर रहना चाहती है, चाहता है या चाहती है, ये इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा देख रहे हैं कि ये मेरे लिए जो है एक गॉड गिफ्ट है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपके पर्सन से, किसी भी कीमत पर वो आपको वापस करना नहीं चाहते आपके पर्सन, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अट्रैक्शन अटैचमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है दोनों के प्रति, खासकर तो यहाँ पर जो
थर्ड पर्सन जो आपकी लाइफ में आया है ना, आपके पर्सन के साथ में है, उसमें आपके पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए और देखती हैं। और जो जिनकी तरफ और कुछ लोगों की तरफ एक नया बंदा भी आ रहा है गाइस, जिनकी निगाह आपके ऊपर कभी से थी, जब आपके पार्टनर आपके पास थे तब भी, और जब आपके पार्टनर आपसे दूर गए तब भी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो हर दिन आपको देखते हैं। यहाँ पर किसी को जो है 3 बच्चे हो सकते हैं, या 1 बच्चा मैंने बताया तो, या 2 भी हो सकते गाइस। देखो सबकी अपनी अपनी अलग अलग वो है, जैसा आपको रेजोनेट वैसे ले लीजिए। उन बच्चों के प्रति इस पर्सन का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और आप मेरी व्यूवर्स के प्रति भी इस पर्सन का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। ये रात दिन आपको भूल नहीं पा रहा है, रात और दिन आपके बारे में ही सोचता रहता है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ये जिस थर्ड पार्टी में आप मेरे व्यूवर्स परेशान हो रहे हैं, ये वहाँ से आपको बाहर निकालना चाहता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस बंदे का अट्रैक्शन आपके प्रति इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा पागलपन इनके सर पे सवार हो रहा है आपको लेकर के, कि रात और दिन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहता है। ये आपसे एंगेजमेंट और मैरिज करना चाहता है। मुझे लगता है गाइज कि आप मेरे व्यूवर्स भी उनको पसंद करते हैं। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग सेम सेम है, आपका अट्रैक्शन भी उनकी तरफ उतना ही ज़्यादा है जितना उनका आपकी तरफ है। ये देखिए बिल्कुल सेम ऐसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कि जैसे आप एक दूसरे के लिए ही बने हों, जैसे आप दोनों सोलमेट हैं और किसी कारणवश जो है आपके कर्माज की वजह से आपको सेपरेट करवाया था डिवाइन ने। तो ये पर्सन जो है आपको किसी भी कीमत पर पाना चाहता है, खोना नहीं चाहता। इसकी नज़र आपके ऊपर कभी से ही है, ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, आपके बच्चे भी एक्सेप्ट करेगा ये। तो मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहे कि ये पर्सन जो है आपको हर तरह से एक्सेप्ट करना चाहता है, चाहे आप कैसे भी हैं, आपके बच्चे हैं, चाहे आप सिंगल हैं, जैसे भी हैं, ये सब कुछ जो है एक्सेप्ट करने को तैयार है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन भी पास्ट में बहुत पेन से गुजरा है, इनका किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, और जब ये आपको देखता है तो इनको सुकून मिलता है। इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके लिए ही मुझे गॉड ने बनाया है। जब आप इनको मिलते हैं, कहीं दूर से देखते हैं, या सोशल मीडिया पर आप लोगों की बातचीत हुई होगी, आप मिल भी चुके होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ लोग यहाँ पर मिल चुके होंगे इस पर्सन से, तो ये पर्सन जो है आपको दिलो जान से चाहने लगा है, और आपकी बातों में इनको बहुत इंटरेस्ट आता है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपसे इमोशनली जुड़ने वाला है। इसके अंदर अभी बहुत सारे इमोशंस आपको लेकर आ रहे हैं। ये किसी और पर्सन के साथ में आपको देखता है तो इसका जो है हार्ट ब्रेक होता है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है आपको किसी के साथ बात करते हुए देखता है तो। ये रात और दिन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचता है, आपके बच्चों के बारे में सोचता है, आपके बारे में सोचता है कि कितने पेन से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आप जो है किसी अदर पर्सन के साथ में हों, या फिर आप सिंगल हों, मतलब किसी और के साथ में ना होकर आप अपने सिर्फ बच्चों के साथ में हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता है गाइस, इतनी ज़्यादा खुशियाँ देना चाहता है कि आपने कभी सपने में सोचा होगा कि मेरे पास काश ऐसा होता, काश ऐसा मेरे पास होता, ऐसा वैसा। जो भी आप लोगों को देखते हैं तो कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ से, तो मुझे दिखाई दे रहे गाइज
ये पर्सन आपको हर वो खुशी देना चाहता है जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये पर्सन आपको अपनी पलकों पर रखना चाहता है, आपको एक पल भी दुखी नहीं देखना चाहता। ये इमोशनली आपसे जुड़ेगा, आपकी आंखों के आंसू पोंछना चाहता है ये। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है दोनों के प्रति। कुछ लोग हो सकते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हों, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके और उनके थॉट्स मिलते भी होंगे, कभी आपने बातचीत की होगी तब, और आप भी उनके प्रति काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। तो ये पर्सन आपसे एंगेजमेंट और मैरिज करना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है गाइस, आपसे ही अपना परिवार देखता है। तो खुश हो जाइए कि आपकी लाइफ में इतने दुखों के बाद में फिर से खुशी आ रही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर्सन के साथ में जाना चाहते हैं कि आप अपने एक्स पार्टनर का वेट करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ने वाला है आपके साथ में, इसके अंदर आपको लेकर के बहुत सारे इमोशंस हैं। ये हर दिन आपसे मिलने की प्लान बनाता है, रात को सिर्फ आपके बारे में ही सोचता है, आपके ही ड्रीम लेता है, बेहद प्यार करता है ये आपको। ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है 101%। पर दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को आप चाहिए, जैसे एडिक्शन होता है ना इस तरह से। ये पर्सन काफ़ी एडिक्टेड पर्सन है, आपसे काफ़ी एडिक्शन है इनको। और कुछ लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं, वो उनसे रिकनसाइल करना चाहते हैं गाइस। उनके एक्स पार्टनर जो टावर इंटरवेंशन की वजह से अलग हो गए थे, काफ़ी लंबा पीरियड निकल गया है, वो उनकी तरफ आना चाहते हैं। उनके लिए काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और वो अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो आपको गाइस जस्टिस देना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। आपको लाइफ में छोटी छोटी खुशियां देना चाहते हैं जो पहले कभी उन्होंने दी नहीं थी, क्योंकि वो सबको देखती है कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, स्मूथली चल रही है। हमारी लाइफ में इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी उनको समझ में आने लगा है। और कभी आपने उनकी केयर की होगी वो भी याद आ रही है, पास्ट की मेमोरीज उनको याद आ रही हैं, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत दुखी हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तो गाइस ये आपकी मर्जी है कि आप नए पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या अपने एक्स पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका डिसीजन है, ये आपकी लाइफ है, जैसा आप चाहें उसकी तरफ जा सकती हैं। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपकी लाइफ में खुशियाँ दे, उसी की तरफ बढ़िए। मैं यूनिवर्स से, गॉड से, डिवाइन से प्रे करती हूँ कि आप मेरी व्यूवर्स हमेशा खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ में हमेशा मस्त रहें, खुश रहें, हर खुशी आपके पास रहे, हर तरह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आए। यही मैं यूनिवर्स से, गॉड से, एंजल से दुआ करती हूँ कि आप मेरी व्यूवर्स हमेशा हमेशा खुश रहें, आपकी लाइफ में कभी भी निराशा के बादल ना आए, हमेशा आप हंसते मुस्कुराते हुए रहें और अपनी लाइफ में तरक्की करें। यही मेरी यूनिवर्स से दुआ है, यही मेरी गॉड से दुआ है आपके लिए। आप मेरे सभी व्यूवर्स खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।